ना ही कोई टैक्सी आ रही है ना कुछ आ रहा है अभी तक। फाइनली बस आ रही है पर हमें कुछ भी करके रोकना होगा बस को। स्टेशन है वहाँ पे आगे? नहीं तो चाकू निकाल ले। झुंड बना के चलो, झुंड बना के। रास्ता तो सही है, बस कोई बाग बुक ना आ जाए। इस टैक्सी ने तो दे दिया हमको धोखा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम कुछ खा लेंगे क्योंकि भूख लग रही है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, घर से निकल रखे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं फिर वापस फिर चलना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएगी खाने पीने की, तो फिर डोंट वरी कि ऊपर कुछ नहीं मिलेगा ऐसा वैसा। यहाँ पे दुकानें हैं और ऊपर भी है। अभी भी आया मामा जी का फ़ोन, तो फिर मामा जी पूछ रहे थे हमें तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो उधर मंदिर के लिए। तो फिर किंजल एक छोटी सी बच्ची है 12 साल की, इसके लिए हम सोच रहे थे कहीं से दूर जाओ, गर्मी ना लग जाए ना ज़्यादा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मामा जी बोले कोई बात नहीं अगली बार चले जाना। फिर तो चलो किस्मत में यहीं तक ही था लिखा हुआ, तो यहाँ तक तो आए कम से कम, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर जाएंगे वहाँ पर। सपाट चट हो चुका है हमारी प्लेटें बिल्कुल, आराम से बैठ गए, नमकीन खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, पेप्सी पिएंगे। वापस घर की ओर नहीं चलो चलो। तो और पानी की बोतल यहाँ से भर लेते हैं। आवाज, हवा की आवाज़ सुनो बस। और लोग भी जा रहे हैं ऊपर दर्शन के लिए। अच्छा हुआ हम सुबह सुबह होकर आ गए, अगर इस टाइम पे जाते ना बहुत धूप है। इस टाइम तो सुबह सुबह तो पता नहीं चला इतना, इस टाइम बहुत धूप है। हमने बहुत ही सही फैसला लेकर सुबह निकले और अब धूप हो गई तेज, अब घर को चलते हैं। अभी हमें यहाँ से टैक्सी पकड़नी है गुमखाल के लिए, टैक्सी का वेट करेंगे। गाड़ी भी आ चुकी है, टैक्सी आ गई है, चलो भाई गुमखाल के लिए। जगह तो नहीं है, जगह नहीं है टैक्सी में, दूसरी टैक्सी का वेट करेंगे। वो तो बोलेंगे। और टैक्सी भी आ गई है एक खाली की है। और गुमखाल अरे नहीं मना बच गया सर तेरा मंदिर वाले। इस टैक्सी ने तो दे दिया हमको धोखा, इसने मना कर दिया। हाँ जो इसने मना कर दिया हमको कि नहीं लेकर जाएंगे हम आपको। साक्षी 12 बजे तो आ जाना, टाइम देखो कितना हो रहा है दीदी, टाइम देखो। हाँ तो फिर हमने बोला टैक्सी का क्या वेट करना, कितना किलोमीटर है यहाँ से गुमखाल? 4.7। हाँ 4.7 किलोमीटर है। हमने सोचा चलो पैदल पैदल चल लेते हैं, अगर टैक्सी बीच में आएगी तो हम बैठ जाएंगे। तो हम पैदल पैदल गुमखाल जा रहे हैं। कुमारी किंजल गुसाई को हमने छाता दे रखा है ताकि उसे धूप ना लगे, और हम धूप कड़कती धूप में जा रहे हैं। 12 बजे ये देखिए 12 बजे चल नहीं तो क्या कहना है, रेस्ट कर रहे हम थोड़ा सा। निशा जी तो पूरा आराम से बैठ गई है। अरे ओ चल क्या बोल रहा मामा, चले जाओ खुद भाई। मामा को फोन किया बोला कि प्लीज मामा लेने आ जाए, पर मामा ने सीधा मुंह पे बोल दिया चल कर आओ चुपचाप, अब तो मैं आखना ही पड़ेगा। चाचा ने भाई को बोला कि भाई तुम आए क्यों पैदल, कड़कती धूप है और हम निकल चुके हैं रास्ते में, ना ही कोई टैक्सी आ रही है ना कुछ आ रहा है अभी तक। हाँ, मामा ने भी साथ छोड़ दिया हमारा। रास्ता तो सही है, बस कोई बाघ भूख ना आ जाए, कोई जंगली जानवर। ये क्या बोले जा रहे हैं, चुप चुप बोलो यार। अब मैं तो बस बोल रही हूँ कौन सी गाड़ी चल रही थी यार। एक डंडा भी वैन है वो। अच्छा हमें एक डंडा रखना चाहिए अपने साथ है ना। हाँ सही बोल रही हूँ, सेफ्टी के लिए पत्थर पुत्थर कुछ रख लो, अपनी आवाज़ें खोल के रखना, देखा कुछ भी दिखे चिल्ला देना बस। नहीं तो चाकू निकाल ले, लड़ेगा कौन पर। मैं चाकू निकालो नीतीश भाई, बैग से चाकू निकालते हैं। मैं निकालूं क्योंकि गांव में बाघ भूख का डर रहता है ना, इसलिए हम चाकू निकाल रहे हैं। हमने फ्रूट्स के लिए चाकू लेकर आ रहे थे ना, तो चाकू निकाल रहे हैं बैग से नीतीश भाई। झुंड बना के चलो, झुंड बना के, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमें डर लग रहा है। पानी आ रहा है किधर, बीच में आ साइड में बता। हां पता है यहां पे भूत होता है। तू चुप हो जा यार, उल्टी सीधी बातें ना करो, शुभ शुभ करके बोला। यार चुप हो जा, मुझे भी
फाइनली बस आ रही है, ये रही बस, जल्दी चलो इसको रोक ले, ये टेम्पू से आ रहा है इसको रोक ले। नीतीश भाई टेम्पू को रोक लो, पता नहीं बस रुकेगी नहीं रुकेगी। रोकने की कोशिश किया आपने? या तो ढंग से करते ना, जल्दी चलते बस रुकी गया नहीं रुकेगी नहीं पता मैं, पर हमें कुछ भी करके रोकना होगा बस को। इस साइड चलो, बस के लिए इस साइड चलो, इस साइड चलो। हाँ रास्ता इस तरफ होता है, बैठ नहीं नहीं बैठ, क्या है यहाँ पे खड़ा रहेंगे, स्टेशन है वहाँ पे आगे नहीं, अरे कहीं पर रुक जाते भाई स्टेशन स्टेशन अरे गाँव में स्टेशन नहीं होता, जो भी होता है बस रुक जाए, बस यार बस कुछ भी हो जाए बस रुक जाए, है ना। रिक्वेस्ट है, मैंने घर जाके बहुत ज़्यादा गाली पड़ेगी क्योंकि छोटी बच्चे को हम पैदल चला रहे हैं, इसलिए छोटी बच्ची है तुम से बोल रहे हैं, हम कंधे में बैठ जा, कंधे में बैठ जा भैया के, डबल कर देगी ना फिर भी हमारे बाबा नहीं पहुंचेगी, तो तू छोटी है अभी, आने वाली साइड जाओ। हां बस बस आ जाए और रुक जाए, यही रिक्वेस्ट है। आ गई, रोक दो, हाथ दे दो, रुक रही है तो पूछ लो गुमखाल आ जाएगी, बैठ गुमखाल पूछ लो। फाइनली मैं बस मिल चुकी है, फाइनली हम गुमखाल कर गए हैं भाई, रास्ता बहुत लंबा था। नहीं अरे किंजल के लिए तो लंबा ही था, किंजल के लिए लंबा है निशेदी, रास्ता बहुत लंबा था, टाइम पर बस आ गई भाई, जान बच गई हमारी, घर जाके डांट फिरती किंजल को पहले चला दिया तुमने, बस को देखिए ना सांस में सांस आ गई भाई, थैंक गॉड बस आ गई, बस रुक जाए वो बस कुछ भी करके। किंजल छाता ले ले, ड्राइवर जो हम गाड़ी को गाड़ी हाथ नहीं देते, ड्राइवर देख के हंस रहा था। हाँ चलो खाके इनके लिए रोक देता हूँ, देखते इधर कुछ खाने को मिल जाए। नीचे टैक्सी का वेट करते हैं, जेरी खाल के हमें टैक्सी मिल जाए फिर हम टैक्सी में बैठते हैं। हम जेरी खाल पहुँच गए हैं और बस हम नीचे घर जाते हैं, अब हम घर पहुँच गए, टाइम हो चुका है, एक बज चुके कम से कम। आ जाओ, कहाँ जा रहे थे हम, घर पहुँच गया, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। लोग आ रहे जा रहे हैं, हमें बैठे आराम से हम तो आराम से जा रहे थे बिल्कुल। सबसे पहले हम ही थे ऊपर, घूम घाम के सीधा हम घर आके सीधा सो गए, थोड़ा सा और अब बजे हैं 4 और अब खाना खा रहे हैं दोपहर का। आज के खाने में बनाया था मूला की थी चोणी, तो फिर खाना खुना खा के आराम से बातें बूते कर ही आराम से हमने बैठ कर, और शाम के 6 बज गए ऐसी, और हम थोड़ी सैर के लिए दोबारा निकल के आए गांव में। चलो जग्गू, जग्गू आया आया आ चले, अब हम मार्केट से वापस घर को जा रहे हैं, और बच्चों के लिए हमने खाने के कुछ सामान लिया है, चिप्स कुरकुरे निशा रिक्वेस आइसक्रीम है यार। यहाँ पे किंजल कर रही है पूजा, ये देखिए और हम अंदर चलते हैं।
अंदर चलते हैं। अंदर आज हम कुछ बना रहे हैं, चलो कुछ स्पेशल बना रहे हैं, कुछ स्वीट बना रहे हैं। चलो फिर करो करो डांस, करो वेरी गुड, करो भाभी वेरी गुड। चलो भाई हम तो जाते हैं रोटियां पकाने, हमारा तो बुलावा आ गया है रोटियां बनाने का। चलो हमारा ढाबा हो चुका है शुरू और वहाँ सारे के सारे बच्चे बैठ चुके हैं, मामा जी सबको परोस रहे खाना। यहाँ पे नीचे दीदी रोटियाँ बना रही है, मैं गोलियाँ बना रही हूँ। यहाँ पे मामी देखिए, मामी रोटियाँ पका रहे हैं और नीतीश भाई यहाँ पे रोटियों पे घी लगा रहा है। और जल्दी से रोटियाँ बनाते हैं और फिर हमें भी भूख लग रही है, जल्दी से खाते हैं हम भी। वहाँ पे सारे बच्चे बैठ चुके हैं। ये है तिल की चटनी, ये तिल की चटनी हो रही है ना, इतनी स्वाद हो रही है ना, मतलब से रोटी के साथ भी ऐसे खाओ ना, बहुत ज़्यादा स्वाद है। बता नहीं दीदी तिल की चटनी कैसी हो रही है? तिल की चटनी बहुत अच्छी हो रही है। मामी से रेसिपी पूछेगी कैसे बनाई है। चटनी तिल की चटनी हो गई और भंगुल होता है जो भांग के बीज होते हैं छोटे छोटे, उसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। तो फिर कल है मेरा बर्थडे, तो फिर आज जो मीठा जो हम बना रहे थे वो मैंने बनाया है, ये केक, ये ड्राई फ्रूट्स वाला मैंने केक बनाया है खुद के लिए। तो जल्दी से अभी से मैं डीमोल्ड करती हूँ और फिर इसे काटेंगे 12 बजे। मेरे मेरा केक हो चुका है पूरा का पूरा डीमोल्ड, उसका स्पंजीनेस चेक करो, बहुत ही स्पंजी हुआ है। और खाने में देखते हैं कि कैसा होता है टेस्ट, आई होप अच्छा हो। मैंने काफ़ी टाइम, मैंने बहुत बार बना चुकी हूँ केक, पर ये अच्छा बना हो, यहाँ पर गांव में बनाया मैंने पहली बार, तो आई होप अच्छा हो। और अभी 11:30 कुछ हो रहे हैं, अभी हो रहे 11:59 सारे घूम रहे इधर उधर। अपने बर्थडे मैंने खुद ही केक बनाया है। अब देखते हैं कौन कितना है। बाहर चलो, बाहर चलो। हैप्पी बर्थडे। ये देखिए आगे सारे के सारे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। चलो चलो। थैंक यू करो, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूं। दो थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए सारे के सारे, थैंक यू, थैंक यू। और ये बुक है, ये दोनों तो जान मुझे उठ रखे हैं।